ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिने कल रखी मेरी। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला गुरु गोविंद सिंह जी दी बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। बुलंद आवाज विच आखो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरा नाम बलजीत कौर है, मेरी उम्र 16 साल है, मैं लुधियाना जोन दे नाल संबंध रखदी हां ते मेरी यह साखी आपा वारना विषय दे नाल संबंधित है। उंज दा जान हर जीव नू प्यारी है, जिस तरह मौत दा डर मनुख नू है, अजिहा डर किसी होर जीव नू नहीं है। आद काल तो ही मनुख अपनी लंबी उम्र दे लई कई तरह दे तरले लैंदा आ रहा है। गुरु नानक साहिब जी ने मनुख नू निरपो प्रभु दे लड़ लाके मौत दे भय तों रहत कर दिता है। गुरु साहिब ने मनुख नू इकला मौत दा डर ही नहीं, सगों होर अनेकां डरां तों भी रहत करन दे लई परमात्मा नू निरपो बयान कीता है। परमात्मा दे सिमरन विच रते गुरसिख दे पास किसी भी तरह दा डर पै नहीं आ सकदा। गुरुदेव जी दा फुरमान है, ओहो अविनाशी राया, निरपो संग तुम्हारे बसे, एहो डर ने कहां ते आया। फिर सतगुरु जी दसदे हन कि जिउंदा कौन है ते मुर्दा कौन है। गुरुदेव जी दा फुरमान है, आखां जीवां विसरै मर जाओ। सतगुरु जी दसदे हन कि परमात्मा नूं भुला चुका मनुखी असल विच आत्मक मौत मरदा है। जेकर असी सिखी इतिहास नूं गौर नाल वाचिए तां सानूं आपा वारन दीआं कई उदाहरणां मिलदीआं हन। सिख दी परख लैण दे लई दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 विसाखी वाले दिन श्री अनंदपुर साहिब विखे विशाल तंबू लगवाए। सिखा दे ठाठा मार दे इकट्ठ दे सामने गुरु साहिब स्टेज से आए। स्टेज से आउंदिया ही गुरु साहिब ने हाथ विच नंगी किरपान ते चेहरे ते अजीब जलाल सी। हाथ विच नंगी किरपान लहरा के गुरु साहिब ने बुलंद आवाज विच कहा कि मैनू एक सिर दी लोड़ है। सारे संसार दे इतिहास नू हैरान करके रख दिता उस समय गुरु तो आपा वारन दे जज्बे ने, जदों भाई दया राम जी गल विच पल्ला पा के दोनों हाथ जोड़ गुरु साहिब नू कह रहे सन, पाशा ए सिर लो ते इस नू भागा वाला बना दियो। एहो मंग गुरु साहिब ने चार बार होर दोहराई। हरेक वारी सिख अपनी वारी दी उडीक कर दे। गुरु साहिब नू सीस अर्पण करन वाले सिंघा नू प्यारे दी उपाधि मिली ते भाई दा खिताब मिलिया। ते गुरु साहिब जी ने फरमाया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। भाई दया राम तो भाई दया सिंह जी, धर्म चंद तो भाई धर्म सिंह जी, हिम्मत राय तो भाई हिम्मत सिंह जी, मोहकम चंद तो भाई मोहकम सिंह जी ते साहिब चंद तो भाई साहिब सिंह जी बना दिता। सो सिखियां अति जज्बा सदका सिंह आपा दा वार गए, पर सिखी सिरक तो ना थिड़के। सिखां दे बंद बंट कटे गए, आरे नाल चीर के दो फाड़ किता गया, खोपड़ियां उतारियां गईयां। एही नहीं सगों सिखां नूं अत पूरी सरी तक अत कठिनाई दा समा बतीत करना पिया ते उन्हां ने सिखी सिरक नूं आंच ना आउण दित्ती। उपरोक्त विचार तो आपा समझ लिया है कि सिख मौत के सिख शीर खत्म होने वाली मौत नू मौत तो नहीं डरदा, ओहो परमात्मा ने जपदिया ही उसदे सारे डर दूर हो जांदे हन। गुरु साहिब जी दा फरमान है, निरपौ जपै सगल पौ मिटै। सिख अनुसार परमात्मा नू भुलना ही एक आत्मिक मौत है। इस तो सानू ए सिखिया मिलदी है कि सिख शीरिक मौत तो नहीं आत्मिक मौत तो डरदा है। गुरु दिया सिखियावां तो भुलना ते उन्हां तो बेमुख होना ही एक आत्मिक मौत है। वाहे गुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।